बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। मैंने इसको फ़िलहाल लीड कैप्चर का नाम दे दिया है। टर्म्स एंड कंडीशंस का ये जो
ऑप्शन या फील्ड है वो सबसे आखिर में आ चुकी है। सो यहाँ पर मज़ीद फील्ड्स को भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। सो ऐसा करने के बाद आपने सेव चेंजेस के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो इस वक्त ये जो चेंजेस है ये सेव हो चुकी है। ओके, इसके बाद ये है मैसेजेस, इसको आपने क्लिक करना है और ये जो तमाम ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने एज इट ऐसे ही रहने देना है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जो सब्सक्राइब टू अल सैयद कॉरपोरेशन, जो मैंने मेलचिंप में अपना अकाउंट बनाते वक्त ये जो नाम दिया था टाइटल, ये वही रहेगा। और उसके बाद है यूज डबल ऑप इन, इस वक्त ये बाय डिफॉल्ट यस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कोई भी कस्टमर, कोई भी पर्सन जब मेरी वेबसाइट पर आएगा, जब वो अपना ईमेल एड्रेस लिखेगा तो यस होने की सूरत में उसे अपना ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। तो ज़्यादातर क्या देखा जा रहा है कि जब हम इस ऑप्शन को यस ही रहने देते हैं तो ज़्यादातर लोग अपने ईमेल को वेरिफिकेशंस के लिए एक प्रॉब्लम समझते हैं। या कोई भी टेक्निकल होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी पर्सन अगर मेरी वेबसाइट पर आता है तो पॉप अप विंडो ओपन होती है, देन उसको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वेरिफिकेशंस टोटली डिपेंड फिर करेगी जिस बंदे की वेबसाइट है, चाहे वो ईमेल गलत है या दुरुस्त है, वो ईमेल आप तक, ईमेल एड्रेस आप तक आ जाएगा। सो ज़्यादातर इस ऑप्शन को नो ही रहने देते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स एड्रेस चाहिए। सो अगर आप इसको यस कर देंगे तो हाफ ऑफ द पर्सन से ज़्यादा उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप तक ईमेल एड्रेस थोड़ी तादाद में पहुँचेंगे, नो की सूरत में आपको मैक्सिमम ईमेल्स एड्रेस मिलेंगे, तो इसलिए आपने इसको नो ही रहने देना है। इसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, रीडायरेक्ट टू यूआरएल आफ्टर सक्सेसफुल साइनअप्स। जब कोई भी पर्सन इसको साइनअप कर देगा तो साइनअप करने के बाद उसको किस पेज पर आपको लेकर आना है, वो कौन से पेज पर लैंड करेगा, तो यहाँ पर आपने उस पेज का यूआरएल यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। इसके लिए मैं यहाँ से एक न्यू टैब में इसको ओपन करता हूँ। ये डैशबोर्ड आ चुका है, इस पेजेस में मैंने ऑल पेजेस को क्लिक करना है। ऑल पेजेस में मैंने देखना है कि थैंक यू का पेज इसमें है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं ऐड न्यू में जाकर वो एक नया पेज क्रिएट कर लूँगा। सो यहाँ पर थैंक यू का कोई भी पेज मौजूद नहीं है। सो इसी तरह आपको क्या करना होगा, आपने ऐड न्यू को क्लिक कर देना है। ऐड न्यू में आपने एक नया थैंक यू का पेज यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। ऐड न्यू पेज का ये ऑप्शन आपके पास आ चुका है। अभी आपने यहाँ पर इसका पेज का जो नाम है वो लिख देना है, थैंक यू। थैंक यू लिखकर आपने पब्लिश की इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यूँ ये पेज भी पब्लिश हो जाएगा, आपके तमाम पेजेस में थैंक यू का पेज भी ऐड हो चुका है। सो यहाँ पर आप देखें पेज पब्लिश आपको नज़र आ रहा है। अगेन आप पेजेस में ऑल पेजेस के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो तमाम पेजेस
आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये थैंक यू का जो पेज है, ये पेज यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर आपको एक व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने कॉपी लिंक एड्रेस, इसका जो लिंक एड्रेस है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर रीडायरेक्ट टू यूआरएल आफ्टर सक्सेसफुल के साइन अप सक्सेसफुल के बाद आपने यहाँ पर वो थैंक यू का जो यूआरएल लिंक है उसको आपने यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देना है। सो इसके बाद आपने इसको सेव चेंजेस को क्लिक कर देना है। तो ये इसकी चेंजेस बिल्कुल इस वक्त सेव हो चुकी है। इसके बाद अपीयरेंस को आपने क्लिक करना है। अपीयरेंस के बाद यहाँ पर है इनहेरिट फ्रॉम सिडनी थीम, जिस थीम को हमने इंस्टॉल किया है वो थीम का जो स्टाइल है वो उस स्टाइल में हमें वो चीज़ें शो होंगी। तो इसको आपने सेव चेंज कर देना है, यानी कि इसको आपने एज इट ऐसे ही रहने देना है। अभी हम साइट विज़िट करते हैं और अपनी साइट को, अपनी वेबसाइट को विज़िट करने के बाद हम देखते हैं। तो इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हमारी ये वेबसाइट हमारे सामने है और यहाँ पर जो उसकी एक पॉपअप विंडो है उसके हवाला से मज़ीद चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लीड कैप्चर क्रिएशंस को कम्प्लीटली तौर पर फिनिश कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।